नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के ग्रह विज्ञान की वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है नील। सफ़ेद वस्त्रों के निरंतर प्रयोग और बार बार साबुन से धोने पर कुछ समय के पश्चात वस्त्र पीले पड़ जाते हैं। वस्त्र पर हल्का पीलापन आ जाता है। ऐसे पीलेपन के लिए श्वेत वस्त्र जो होते हैं, सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं, वे बड़े बेजान, भद्दे, अनाकर्षक और पुराने से, और कई बार तो वे पहनने योग्य भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे वस्त्रों के प्रयोग से पहनने से पहले से व्यक्तित्व के निखार नहीं आता है, अतः वस्त्र पर इनका पीलापन हटाना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए नील अथवा अन्य प्रकाशीय विरंजक का उपयोग किया जाता है। नील लगाने से वस्त्र श्वेत, उज्जवल, चमकदार, नवीन, ताजा, जीवंत हो जाता है। नील के प्रयोग से वस्त्र का भद्दापन दूर हो जाता है और वस्त्र आकर्षक हो जाता है। नील का उपयोग रंगीन वस्त्रों पर नहीं किया जाता है। इसका उपयोग नीले अथवा क्रीम रंग के वस्त्रों पर भी नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हरापन लिए भद्दे रंग उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु वे रंगीन वस्त्र जिनका अधिकांश भाग सफ़ेद है, उस पर हम नील का उपयोग कर सकते हैं। नील श्वेत, सूती, लिनन अथवा सूती मिश्रित जैसे टेरिकॉट आदि वस्त्रों पर लगाई जाती है। कभी कभी हल्के फीके नीले रंग के वस्त्रों में भी नीलापन लाने का उद्देश्य से हम नील का उपयोग कर लेते हैं। नील हमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप से अवेलेबल होती है। प्राकृतिक रूप से यह वनस्पति से और खनिज तत्वों से प्राप्त होती है। नील के पौधे की पत्तियां से नील निकाली जाती है। कृत्रिम रूप से यह हमें कोल टार के रंगों से प्राप्त होती है। नील के विभिन्न आकार प्रकारों से मिलता है, जैसे गोल, चकोर, पाउडर फॉर्म, चूर्ण या तरल अवस्था के अंदर। इसकी प्राप्ति के स्रोत पर इसका रंग और शेड्स निर्भर करते हैं। यह हरे नीले से लेकर नीले हरे तथा बैंगनी रंग से लेकर नीले रंगों के विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होती है। नील का जल में घुलनशीलता ही इनकी प्राप्ति स्रोतों और इनके प्रकार पर निर्भर करती है। कृत्रिम स्रोत से प्राप्त नील जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। यह नील जल में पूरी तरह घुल जाती है, परंतु जो नेचुरल होती हैं वे जल में घुलनशील नहीं होती हैं, और कई बार हम देखते हैं कि वे कपड़ों के ऊपर पैंदे में बैठ जाती हैं। और जब भी हम वस्त्र को नील लगाते हैं तो उसे हिलाना आवश्यक होता है, जिससे कि एक्चुअली वस्त्र पर इवन नील लगे। और वस्त्र पर हम जैसे पहले कह रहे थे कि भद्दे स्पॉट्स दिखाई नहीं देवे, तभी सभी जगह एक समान रूप से नील चढ़ती है। जैसे प्रूशियन ब्लू, अल्ट्रामेरिन ब्लू, मिथाइल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू और कोलटार जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। आइए अब स्रोत्र के आधार पर हम देखते हैं तो हमारा नील का जो क्लासिफिकेशन है वह इस प्रकार से रहेगा, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में हम खनिज पदार्थों की सहायता से नील प्राप्त करते हैं, और वनस्पति में हम नील के पौधों से नील प्राप्त करते हैं। कृत्रिम में हम कोल टार के रंगों से नील प्राप्त करते हैं। तो स्रोत के आधार पर नील मुख्य रूप से हम दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। सेकंड आता है आपका टाइप्स ऑफ ब्लू, नील के प्रकार। नील के विभिन्न प्रकार होते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण नील के जो प्रकार हैं, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, वे हैं आपकी प्रूशियन ब्लू। पहला है प्रूशियन ब्लू, PRUSSIAN, प्रूशियन ब्लू।
खोज 18वीं शताब्दी में हुई है। जल में शीघ्रता से नहीं घुलता है, इस कारण यह छोड़ देने के पश्चात बर्तन के पैंदे पर बैठ जाता है, और इसलिए इसके प्रयोग से पूर्व हमारे लिए पानी को हिलाना आवश्यक होता है। प्रूशियन ब्लू केमिकली हम देखते हैं तो ये पोटेशियम फेरसाइनेट और आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है। पोटेशियम फेरसाइनेट और आयरन सल्फेट का मिश्रण, इसमें आयरन सल्फेट पाउडर के रूप में मिला रहता है। यह नील को पानी में डालते ही लोहे के कण में सभी जगहों में बिखर जाते हैं और नील समान रूप से वस्त्र पर चढ़ता है, परंतु अत्यधिक लोकप्रिय और उपयोगी नील नहीं है, क्योंकि नमी और वायु के संपर्क में आने से इसके लौह यौगिक जो होते हैं वे ऑक्सीकृत करते हैं, लौह ऑक्साइड बनाते हैं और वस्त्र के अंदर अधिक भूरापन लाते हैं, विशेषकर जब स्त्री करने पर जंग के समान ही भूरे भूरे धब्बे लग जाते हैं। इस प्रकार इस कमी के कारण हम प्रूशियन ब्लू का उपयोग नहीं करते हैं। अल्ट्रामरीन ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। आजकल इन्हें सोडा ऐश, लकड़ी की राख, कोयला, सोडियम सल्फेट और एक विशेष प्रकार की मिट्टी के मिलाने से होता है। इन सभी पदार्थों को मिलाकर गर्म करते हैं, तत्पश्चात में पीस कर बारीक पाउडर तैयार किया जाता है और इन्हें घोल या चकोर रूपों में रखा जाता है। अल्ट्रामरीन नील सर्वाधिक सुरक्षित और प्रचलित नील है। यह क्षार में पूर्णतः अप्रभावित होती है और इसका प्रयोग रेशों को हानि नहीं पहुंचाता है। इसका उपयोग निर्भर करता है कि एक्चुअली हम नील किस प्रकार के वस्त्रों को दे रहे हैं। कॉटन वस्त्रों के लिए बेस्ट मानी गई है, अतः इसका उपयोग निर्भर होकर हम वस्त्रों पर कर सकते हैं, परंतु यह नील जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं है, इस कारण यह छोड़ देने पर बर्तन के पैंदे पर बैठ जाती है। अगर इन्हें बिना हिलाए प्रयोग किया जाता है तो इसके वस्त्र पर कण चिपक जाते हैं और नील के चट्टीदार धब्बे पड़ जाते हैं। इस कारण से इस कमी को दूर करने के लिए नील के घोल को हमें बार बार हिलाना आवश्यक हो जाता है। एनिलीन ब्लू, यह एक प्रकार की कृत्रिम वृद्धि से तैयार ब्लू होती है। यह प्रूशियन ब्लू और अल्ट्रामरीन जो ब्लू होती है, अल्ट्रामरीन ब्लू जो होती है उससे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, क्योंकि इसके प्रयोग से वस्त्र पर चित्तीदार धब्बे या नील के धब्बे, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, वह नहीं पड़ते हैं। यह बैंगनी व नीले रंग के विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होती है। जल में पूर्णतया घुलनशील और वस्त्रों पर एक रूप और एक समान ढंग से उज्ज्वलता और सफेदी लाती है। इसके प्रयोग से वस्त्र अधिक आकर्षक और उज्ज्वल दिखाई देते हैं, अतः इनका प्रयोग सर्वाधिक होता है। एनिलीन भी दो प्रकार की नील होती है, क्षारीय माध्यम वाला एनिलीन नील तथा अम्लीय माध्यम वाला एनिलीन नील। उपरोक्त दोनों ही प्रकार के नील उत्तम श्रेणी के होते हैं और वस्त्र पर प्रभावशाली सफेदी लाते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी लास्ट, इंडिगो नील। इंडिगो नील वनस्पति स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। नील के पौधे से नील की उत्पत्ति होती है। नील के पौधे की पत्तियों से विशेष विधि से नील तैयार की जाती है। वनस्पति स्रोत होने के कारण यह नील काफ़ी महंगी होती है और इसका रंग नीला होता है। इसका उपयोग वस्त्र पर नीलापन आ जाता है और यह भी मंद प्रकृति का होता है, अतः वस्त्र को अधिक उज्ज्वल और चमकदार नहीं दिखता है, इसलिए इसका प्रचलन बहुत कम या ना के बराबर होता है। यूजुअली जो हम नील यूज़ करते हैं वह है एनिलीन नील। आइए अब देखते हैं हम मेथड ऑफ नील कि हमें कैसे नील लगाना चाहिए। तो नील लगाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सावधानी और सतर्कतापूर्वक नील लगानी चाहिए, जिससे कि वांछित हमारी सफ़ेदी और उज्ज्वलता है और जहाँ तक हो सके
कि वस्त्र पर चित्तीदार धब्बे न लगे, जिससे कि वस्त्र हमारा भद्दा दिखाई न देवे। इससे वस्त्र में ताजगी और नवीनता नहीं आती है। नील को लगाने के लिए हमें सबसे पहले वस्त्र को अच्छी तरह से डिटर्जेंट से धो लेना चाहिए और इन निर्देशों का पालन करके हमें वस्त्र पर नील लगानी चाहिए कि बाल्टी के अंदर जल की मात्रा ले अनुरूप मात्रा ले में जितने वस्त्र में डालने, बहुत अधिक भी नहीं लेना चाहिए पानी और बहुत अधिक कम भी नहीं लेना चाहिए। नील पाउडर के रूप में है तो इसे एक श्वेत मलमल के कपड़े में बांध कर एक छोटी सी पोटली बना लें। इससे पानी नील के पानी में घुल जाएगी और अघुलनशील पदार्थ आपके पोटली में रह जाएंगे। जब वांछित मात्रा में पानी में नील घुल जाए तो पोटली को बाहर निकाल देना चाहिए। अधिक नील लगाने से वस्त्र पर अधिक नील लग जाती है, जिसे हटाना आवश्यक होता है। नील रासायनिक रूप से है तो उसे थोड़े थोड़े पानी में घोलकर शेष पानी में मिला लेना चाहिए। नील तरल रूप में है तो वो थोड़े से पानी में मिलाकर नील युक्त जल को हमें शेष पानी के अंदर मिला देना चाहिए और पानी को हिला देना चाहिए। साबुन से पूर्णतः मुक्त वस्त्र को ही स्वच्छ जल के अंदर अच्छी तरह से खंगालने निचोड़ने पटकाने के बाद ही नील युक्त जल में डालना चाहिए, ताकि वस्त्र के सभी में ठीक प्रकार से खुल जाएं और नील सभी जगह एक समान है। हमें कभी भी फोल्डेड वस्त्र को पानी के अंदर नहीं डालना है। हमेशा वस्त्र को पूरा खोलें और उस पूरे खोले हुए वस्त्र को ही बाल्टी के अंदर डालें, तभी आपकी नील एक समान रूप से लगेगी। ये वस्त्र को वो बार बार नील के पानी में डालकर हमें डुबोना चाहिए और कंगालना चाहिए। उसके पश्चात उसे निचोड़कर सुखा देना चाहिए। अधिक देर तक नील के जल में नहीं छोड़ना चाहिए वस्त्र को, क्योंकि यदि हमने वस्त्र को छोड़ दिया नील की बाल्टी के अंदर तो वस्त्र पर असमान नील लगेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यदि वस्त्र पर बहुत अधिक मात्रा में नील लग जाए तो हमें तुरंत उसे स्वच्छ पानी के अंदर धो लेना चाहिए डुबोकर और अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। परंतु फिर भी आपको लगता है कि बहुत अधिक नील लगी हुई है तो आप सिरका और एसिटिक एसिड कुछ बूंदे पानी में डालकर उस बाल्टी के अंदर वस्त्र को खंगाल लेवे, जिससे कि नील निकल जाए। रंगीन वस्त्रों पर नील हमें पहले भी हमने बताया आपको नहीं लगानी चाहिए। नील केवल सूती वस्त्रों पर ही और लिनन जूट या जो भी वाइट वस्त्र हैं जहाँ पर हमें कॉटन फैब्रिक्स होते हैं उन्हीं पर नील का उपयोग करना चाहिए। नील श्वेत रेशमी और ऊनी वस्त्रों पर भी नहीं लगानी चाहिए, परंतु यदि आवश्यक हो तो थोड़ी सी मात्रा में हम लगा सकते हैं। तो नील की जांच के लिए सबसे पहले आप कि भैया नीला जो हमने पानी लिया है वह ज़्यादा ब्लू तो नहीं हुआ है, इसके लिए आप नील वाले घोल को हथेली में लें। यदि जल स्वच्छ दिखाई दे और रंग की छाया नहीं दिखाई दे तो समझना चाहिए कि हमने पानी के अंदर जो जल की उचित मात्रा है वह घुल गई है। सेकेंड है कि पुराने कोई आपका पुराना कपड़ा है या मलमल का कपड़ा है उसको आप पानी के अंदर डाल छोड़ दीजिए, जिससे कि उस पर यदि आपका सेटिस्फैक्ट्री कलर आ जाता है तो आप समझ जाइए कि नील का सही नील की डेप्थ या रंग हमें प्राप्त हो गया। और तीसरा, कांच में साफ सुथरे स्वच्छ एवं पारदर्शी ग्लास में नील युक्त जल को देखकर ग्लास का प्रकाश के सामने रखकर देखें। यदि नील की हल्की सी शेड दिखाई दे तो समझना चाहिए कि हमारी उचित मात्रा के अंदर नील घोल दी। इस प्रकार वस्त्रों के अंदर सफ़ेदी लाने के लिए हम वस्त्रों पर नील का उपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।